आज मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ बोलिंग स्पर। अब देखिए इसके मैं आपको दिखाता हूँ चैनल। अब इसकी देखिए 30 वीडियो अपलोड कर दिए, अच्छे खासे देखिए सब्सक्राइब इनक्रीज कर लिए। अब देखिए वन डे जगह 24, यहाँ पे देखिए 7 दिन देखिए 59, इस तरह से दोस्तों अच्छे खासे देखिए व्यूज ला रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे खासे व्यूज ला रहे हैं। अभी मैं इसका वीडियो पे दिखाऊँ पॉपुलर वीडियो तो 5 मिलियन एक मंथ आगे 5 मिलियन तो इस मिलियन पे व्यूज लाते हैं। अब ये वीडियो पूर्णतः कॉपी पेस्ट है, इसके वीडियो में ये खुद का वॉइस भी नहीं देते। मैं आपको वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वॉइस आप किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से आप भी अपना चैनल बनाकर अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप वीडियो इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को छोटा सा क्लिप देख लें। आज की कहानी है एक भिक्षु की। भिक्षु वह होता है जो सब कुछ त्याग देता है और एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे एक बड़ी वजह होती है, कोई भी भिक्षु ऐसे ही नहीं बन जाता। उस व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। भिक्षु बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उसे कई गलत काम कर। आप कैसे आपने सब कुछ वीडियो को देख ही लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से स्टोरी लाएंगे, किस प्रकार से एडिटिंग करेंगे और किस प्रकार से वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टोरी लाना है, तो स्टोरी कहाँ से लाएंगे दोस्तों, आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आप पे आने के बाद सर्च करना बोध की प्रेरणादायक कहानियाँ। आप जैसे ही सर्च करें देखिए आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा, बहुत सारा। आपको कोई कंटेंट की कमी नहीं होगी, आपको बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा, बहुत सारी कहानियाँ स्टोरी मिलेगा जिससे आपको यहाँ से ले लेनी है। पूर्णतः कॉपी पेस्ट देखिए आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियाँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएगी। तो आपको कोई भी ले सकते हो, कोई भी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो। सिंपली जाइए, मैं यहाँ से इस पर करता हूं, कोई वेबसाइट आपको ले लेना है। उसके बाद देखिए हमें बहुत सारे यहाँ पे देखिए बहुत सारी कहानियां आपको दिया गया है, तो आप जो चाहिएगा ना उसको ले गए। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप क्रिएट करेंगे। चलिए मैं यहाँ से कोई एक को ले लेता हूँ, तो क्या चलिए मैं इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा था। यहाँ से आपको क्या करनी है, इस पार्ट जितने भी पार्ट है सभी पार्ट को कॉपी कर लेना। तो मैं यहाँ से जितने भी हमारे पास ये है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ देखिए अब यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, कर लें देखिए ऊपर आना है, सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेनी है। अब कॉपी कर लेने के बाद अब कहानी को आपको लेनी है। अब कहानी के अनुसार आपको क्या करना है, गौतम बुद्ध की आपको इमेज लाना है। इमेज लेने के लिए आपको इमेज से मेन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गौतम यहाँ पे सर्च पे किधर के यहाँ से गौतम बुद्ध आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे सर्च रखा था, देखिए गौतम बुद्ध। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको गौतम बुद्ध का इमेज आएगा, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से गौतम बुद्ध का इमेज है बहुत सारा, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इमेज है, तो आपको कोई इमेज को डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद इसके देखिए यहाँ से आपको बहुत सारे गौतम बुद्ध तथा इसके शिष्य, अब उसके भी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, जो कि देखिए यहाँ से बहुत सारी कहानियाँ है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखिए इसको मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप भी डाउनलोड कर लेंगे, ये जितने भी इमेज चाहिए आपको इमेज सर्च मेन एप्लीकेशन पे बहुत सारा इमेज अलग तरह की इमेज मिल जाएगा, तो कोई भी इमेज आप पर ले सकते हो। ताकि यहाँ से मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ से इस तरह से इमेज आपको ले लेनी है। आप उसके बाद आपको काइन मास्टर के यहाँ से ओपन कर लेनी। आप देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ से आपको यहाँ से पहले क्रिएट कर लेना। अब गाइस देखिए आपने जितने भी इमेज को डाउनलोड किए थे सभी इमेज को आपको यहाँ से बारी बारी की से आप जितने भी इमेज किए सभी इमेज को आप ले सकते हैं, अच्छे खासे इमेज आपको देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ चले कुछ इमेज है जिसको मैं यहाँ पर देखिए ले लिया। अब इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ से बहुत सारे इमेज यहाँ से आपको देखने को मिलता। अब देखिए इस प्रकार से इमेज है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता। आप गाइस देखिए फुल स्क्रीन नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँगा। इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से पैनल जो पे क्लिक करके सबसे पहले इसको फुल कर देना। इस प्रकार से आप कहते हैं कि यहाँ से आपकी ये शुरू वाले पॉइंट है, ये आपको लास्ट वाले पॉइंट है, दो टर्म आपको दिया गया है। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं लास्ट वाले कर दिया, शुरू वाले टर्म को भी आपको इस प्रकार से सबसे पहले कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना, देखिए यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पैनल जूम पे आप देखिए आपको शुरू वाले जो पॉइंट है इसको थोड़ा डिफरेंट करना है, इसके जो साइड को इस प्रकार से डिफरेंट कर दीजिएगा। आप कहा देखिए कुछ इस प्रकार का देखिए आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, कितना अच्छा आपको इस प्रकार से एनिमेशन कर रहा है इमेज को। उसके बाद ठीक इस प्रकार से फिर आपको जाना है यहाँ से इमेज को, यहाँ से इसकी भी इमेज को थोड़ा कुछ इस प्रकार से आपको कर देना। देखिए इस प्रकार से कर देना, आप देखिए इसका भी इमेज देखिए दोस्तों आपको कितना एनिमेशन रखिए, कितना अच्छा आपको एनिमेशन कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से पहले आपको इमेज को लेना, इसी प्रकार से जितने भी इमेज आएंगे आप इमेज को ले सकते हैं। यहाँ से इमेज की साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं, जितना चाहेंगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इस इमेज को भी इसी ठीक इसी प्रकार से मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर डाउनलोड किया,
मैंने बहुत सारी इमेज को डाउनलोड किया, तो इस प्रकार से मैं कर देता हूँ और लास्ट वाले यहाँ से इस प्रकार से मैं कर देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए दोस्तों आपका भी इमेज हो गया। उसके बाद गाइस क्या करनी है, अब इसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ से वॉइस को डालनी है। तो वॉइस कैसे डालेंगे, तो दोस्तों अपना वॉइस को रिकॉर्ड कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो वहाँ से पढ़ पढ़ के आप वॉइस को अच्छे से रिकॉर्ड भी कर सकते हो। रिकॉर्ड नहीं करनी है तो क्या करनी है, अगर वॉइस देखिए कहाँ से लाते हैं, तो एक एप्लीकेशन है देखिए यहाँ पे T2X, जिसका दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप जाके वहाँ पे भी सर्च करते हैं, प्ले स्टोर पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसको इस पर क्लिक करना। अब उसके बाद आपको क्या करनी है, देखिए मैंने यहाँ से सभी को यहाँ पे पहले जितने भी है देखिए कांड था, मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया। इस प्रकार से आपको सबसे पहले कॉपी को यहाँ पे पेस्ट कर देना, उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यहाँ पे थी लाने वाली, इस पर क्लिक करना। यहाँ के कुछ सेटिंग है, सबसे पहले आपको इंपोर्टेंट सेटिंग करनी, सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे पहले हिंदी को सेलेक्ट करना, या फिर आप अलग भाषा सोचो तो आप तेलुगु या फिर बंगाली कोई भी भाषा आपका है तो वहाँ से आप ले सकते हो जो आपका भाषा हो। तो यहाँ पे मैनेजर वॉइस पर जाना है। उसके बाद दोस्तों देखिए मैं यहाँ से हिंदी लेता, तो आप यहाँ पे देखिए हिंदी को मिला, हिंदी लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको चार वॉइस देगा, जिसमें से दो है फीमेल और दो मेल है। देखिए गाइस मैं आपको वॉइस को सबसे सुनाता हूँ। देखिए ये हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखिए वॉइस सुना भी दिया, इस प्रकार से आपको वॉइस मिला है। तो आपको क्या करना है, आपको जो पसंद आएगा जिस प्रकार का वॉइस लेगा उस वॉइस को यहाँ से ले लेना। तो मैं इसको लेकर उसके बाद मैं यहाँ से लेने के बाद यहाँ से देखिए आपको क्या करना, मैंने यहाँ से वॉइस को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने कॉपी करके पेस्ट भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑडियो फाइल, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से एक ऑडियो इसकी जो वीडियो का मैं ऑडियो बना देती। इस पर कहा कि मैं ऑडियो बन रहा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको वॉइस को थोड़ा एडिट भी करना है, नहीं तो आपका वॉइस अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट होने दीजिए, इसको ऑडियो में होने दीजिए। तो यहाँ से मैं ऑडियो में देखिए यहाँ से कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज कर देना। अब उसके बाद दोस्तों देखिए आपको ऑडियो में जाना, जहाँ ऑडियो एडिटर एक एप्लीकेशन है, इसको आपको यहाँ से ओपन कर लेना, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसका और इस पर आना है इस लेक्सो ऑडियो एडिटर ऐप में, और यहाँ से आने के बाद क्या करना आपको ओपन पे क्लिक करना है। इसको पहले यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। उसके बाद जो मैंने डाउनलोड किया था देखिए आपके सामने, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं देखिए यहाँ से इसको ले लेने के बाद आप कहते हैं किस प्रकार से आपको आ गया। अब यहाँ से आपको जो दिखा थ्री डॉट पे क्लिक करना, इफेक्ट पे जाना है। सबसे पहले आपको इसको नॉर्मलाइजेशन कर देना है। देखिए आप जहाँ से आपका वॉइस कम बेस रहेगा तो वहाँ से सबका वॉइस बराबर हो जाएगा। उसका फिर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना, यहाँ पे डालने के बाद देखिए यहाँ से आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इक्वलाइजेशन इंप्रेशन, इस पर क्लिक करना। अब इसकी जगह साइज आपको इस प्रकार से देख सकते हैं, इसको आपको यहाँ से इस प्रकार से देखिए सिलेक्ट कर लेनी है। अपने हिसाब से भी कर सकते हो, यहाँ से देखिए इसको आप देख लीजिएगा, इसको भी आप इस हिसाब से करके इसको अप्लाई कर देना है। इस प्रकार देख सकते हो कि यहाँ से अप्लाई हो गया। उसको यहाँ पे सेव पर क्लियर किया, यहाँ से आपको सबसे पहले सेव कर लेना। चलिए मैं यहाँ से इसको सेव देखिए कर लिया। उसके बाद आपका देखिए वॉइस यहाँ से बन गया है, वॉइस का भी एडिट हो गया। उसके बाद फिर आपको काइन मास्टर बनना, यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से आना। आप जो ऑडियो आपने एडिट किया था उस ऑडियो के यहाँ से दोस्तों ले लेने। अब देखिए मैंने इसको यहाँ से ले लेनी है। इस प्रकार से दोस्तों देखिए आपका ऑडियो आ गया है कुछ इस प्रकार का। आप देखिए यहाँ से आपको इमेज को बढ़ा भी सकते हैं, दूसरा इमेज भी लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से आपको छोटे से यहाँ से लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड पार्ट को मैं यहाँ से कर करके आपको बताता हूँ छोटे से कहाँ लेकर। अब देखिए इस प्रकार से देखिए मैं लिया इसको यहाँ से कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद ऑडियो पर जाना है। यहाँ से आपको एक ऑन कॉपी वाले म्यूजिक को लेना है। जैसे देखिए मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने डाउनलोड करके रखा है। ये कहाँ से लानी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब से बहुत सारे आपको बैकग्राउंड मिलेगा ऑन कॉपी वाले, वहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ से कर लेने के बाद इसकी जो होती है आपको शुरू पे लानी है, और यहाँ से कर लेने के बाद देखिए जहाँ तक आपका वीडियो होगा वहाँ तक सबसे पहले कर लेने के बाद इसको यहाँ से इस प्रकार से कट दे देनी है। कट कर देने के बाद इस पर क्या करना है, ऑडियो पे क्लिक करना है। मिक्सर पे आने के बाद इसकी जो वॉल्यूम को आपको बहुत ही कम रखना, ताकि आप इसका देखो बैकग्राउंड की यूज करना है तो बैकग्राउंड के तहत इसका म्यूजिक को हम करेंगे। उसके बाद देखिए इस प्रकार से आपका देखिए वीडियो थोड़ा बन जाएगा। मैं थोड़ा वीडियो को पल्ले करके दिखाता हूँ किस प्रकार का कैसा मेरा वॉइस किस प्रकार से वीडियो बना है। बुद्ध आम और बच्चे। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे, तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उसे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए, उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। तो कुछ इस प्रकार के देखिए आपने मैंने वीडियो बनाया। इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारे बड़े कहानी बना सकते, जितना मेरा चाहिए उतना मेरा बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव इमेज पर यहाँ से वीडियो को सेव कर लेना। इस प्रकार से आपका दोस्तों वीडियो बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।